सरकार और किसानों के बीच चल रहे इस टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन पर एक गहरा संदेश दिया है। उन्होंने दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का अचानक दौरा किया और यहां अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। किसान आंदोलन में अधिकतर पंजाब के सिख किसान हैं, जो ये माना जा रहा है कि पीएम का ये संदेश उन्हीं के लिए है। पीएम मोदी अचानक दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के प्रांगण में जब पहुंचे तो लोग चौंक गए। जन्म अनमोल खालसा तेरा हीरा, जन्म अनमोल खालसा। न गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला था, न सुरक्षा का तामझाम, न ही कोई ट्रैफिक डायवर्जन। कड़ाके की ठंड के बीच पीएम बड़ी ही सादगी से किसी सामान्य व्यक्ति की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। पीएम ने सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी और रुमाला चढ़ाकर मत्था टेका। मन करके जो वाहे गुरु जप दे, दुनिया विच ओ कदे ना खप दे। अचानक प्रधानमंत्री को अपने बीच देखना किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं था। पीएम को देखते ही श्रद्धालु तस्वीर उतारने लगे, कुछ ने तो सेल्फी ही ले ली। दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज सिखों का पवित्र स्थल है। ये वही स्थान है जहां सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया गया था। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के फरमान पर उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने आके मत्था टेके और रुमाला चढ़ाया, तो असी सरोपा दिता उन्होंने, तो बाकी उस तो बाद फिर मैं उन्होंने इतिहास दसाया। उन्होंने मैं इतिहास अपना सुनाया गुरुद्वारे साहब का, तो उन्होंने कहा ओके, तो मैं उन्होंने कहा भी मैं आके मैं बहुत अच्छा लग्या, मैं बहुत सुकून मिला, मैं गुरुद्वारे साहब आया, तो मैं इतिहास उन्होंने सुनाया। बस इतनी गल हुई मेरी उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रकाबगंज गुरुद्वारे का यह दौरा तब हुआ है जब राजधानी दिल्ली को चारों ओर से किसान घेरे हुए हैं और धरने पर बैठे हैं। इन किसानों में पंजाब के सिखों का बड़ा धड़ा भी है। माना जा रहा है कि पीएम का यह दौरा सिख किसानों तक एक संदेश देने की कोशिश है। पिछले 25 दिन से सैकड़ों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे आए और उन्होंने माथा टेका। एक तरह से कई लोग मान रहे हैं प्रधानमंत्री का आउटरीच है किसानों की तरफ से, लेकिन वो चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री डायरेक्टली इंटरवीन करें और किसानों से डायरेक्टली संवाद करें। पीएम मोदी ने रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है कि जो भी गुरुद्वारे पर शीश झुकाए वो गुरु भाई है। पीएम का संदेश साफ है, लेकिन सरकार से अब किसानों की बातचीत बंद है। ऐसे में सवाल अपनी जगह कायम है। गुरु नानक घर में कोई आए, राजा आए, रंग आए, हर सबके लिए सब बराबर है। और लेकिन जब दूसरी जगह देखते हैं कि आज 25 दिन से हमारे किसान भाई जो बेचारे धरने पर बैठे हैं, अपने प्रोटेस्ट पर कर रहे हैं, वो उसके बावजूद भी उन्हें जाकर मिला नहीं जा रहा, तो मैं समझता हूँ बड़े दुख की बात है। किसान हमारा अन्नदाता है, अगर अन्नदाता खुश है हम कभी खुश नहीं रह सकते। जो सामाजिक हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कुर्बानी दी, वहाँ पे जाना तो शुरू हुए। चौधरी चरण सिंह की समाधि पे भी जाना चाहिए, 7 साल से नहीं गए। अच्छा, वहाँ पे भी 23 तारीख आ रही है ना, 23 दिसंबर, तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। अब की बार वहाँ पे भी चले जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोशिश यही बताने की है कि कृषि कानून उनके हक में है। रकाबगंज गुरुद्वारा जाने से पहले गुजरात में प्रधानमंत्री ने सिख किसानों से मुलाकात की थी। सरकार अलग अलग स्तर पर किसानों को कृषि कानून के फायदे बता रही है। सरकार ने 100 पन्नों की एक बुकलेट भी जारी की है जिसमें आसान शब्दों में किसानों को कानून के फायदे बताए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्नों की एक चिट्ठी भी लिखी है।
प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर किसानों को सीधे संदेश देकर ये समझाने की कोशिश की है कि कृषि कानून खेती किसानी के हक में एक क्रांतिकारी कदम है। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन के पीछे सरकार विपक्ष की साजिश देख रही है। किसान नेता सरकार के दावे को खारिज कर रहे हैं, उधर विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। महत्वपूर्ण ये है कि एक बार कल्पना करके देखिए कि गुरु तेग बहादुर अगर आज होते तो क्या वो टिकड़ी बॉर्डर पर ना होते, सिंघू बॉर्डर पर ना होते, क्योंकि एक तारतम्य आवश्यक है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उस तारतम्य को भी, उस तार को भी, चुड़ाव के तार को समझना। किसानों स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कहा है कि तीनों कानून को वापस लिया जाए और उसी के बाद हम अपना जो आंदोलन है उसको खत्म करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात कर रहे हैं, किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वास्तव में अत्यंत खेदजनक बात है। विरोध और राजनीति से परे प्रधानमंत्री मोदी का गुरुद्वारा रकाबगंज जाना एक गहरा संदेश देता है और ये संदेश किसानों तक निसंदेह पहुंच भी गया होगा। यानी मुमकिन है कि सरकार और किसानों से बातचीत फिर से शुरू हो और गतिरोध टूटे।